हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इन परफेक्ट मैं अंशिका आ गई हूँ आज अपने साथ बहुत सारी बातें लेके जो कि मोस्टली होने वाली है हेयर केयर रूटीन के बारे में देखिए अभी जो एक्चुअली क्या हुआ है कुछ टाइम से सीजन भी चेंज हो रहा है बट उससे पहले भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी ट्राई किए अलग से मंगा के मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होम रेमिडीज़ भी ट्राई की बट नथिंग वॉज़ वर्किंग ऑन मी तो मुझे लगा कि यार चलो सैलून से कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन देन आई थॉट टू यू नो कंसल्ट टू एन एक्सपर्ट तो उसके बाद मुझे पता लगा एच के वाइटल्स के बारे में तो so, मैंने सोचा कि वाई वाई नॉट टू ट्राई दिस बिकॉज जो इनके कंटेंट्स हैं जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लगे मुझे एंड मैंने जब इसके एच के वाइटल्स के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करने की कोशिश की ऑनलाइन सो आई केम टू नो दैट कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड आठ लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं इनके प्रोडक्ट्स के तो कुछ तो बात होगी तभी इतने सारे लोग परचेज़ कर रहे हैं पीपल आर गिविंग गुड रिव्यूज़ अबाउट दीज प्रोडक्ट्स और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो मुझे प्रोडक्ट्स लगे वो इनकी बायोटिन रेंज तो मुझे लगा कि वाई नॉट अगर बायोटिन है इसमें तो मैं क्यों ना इसको ट्राई करूँ मतलब वाई टू टेक एनी सैलोन ट्रीटमेंट जब मुझे अगर इसमें ही मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हेयर के लिए वो मिल रहे हैं तो सो आई थॉट टू ट्राई द प्रोडक्ट सो लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स वन बाय वन सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज देयर बायोटिन टैबलेट्स दिस वन ओके सो इफ यू डोंट नो आई जस्ट टेल यू ब्रीफली वॉट इज बायोटीन बायोटीन इज वॉट इज सॉल्यूबल विटामिन जो बहुत अच्छे से काम करता है हमारे बालों के लिए यह हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है अंदर से मजबूत करता है बालों को घना करने में हेल्प करता है स्कैल का कवरेज बढ़ाता है एंड वॉट नॉट एंड इसको लेना बहुत ही आसान है ये शुगर फ्री ग्लूटिन फ्री एंड वेज टैबलेट्स हैं कोई भी इसे ले सकता है एंड इसको लेना है सिंपल एक टैबलेट डेली नथिंग एल्स एंड येस आई विल डेफिनेटली सेम कि देखो कोई भी चीज को असर करने में टाइम लगता है एंड वो तब असर करती है जब उसके साथ आप कंसिस्टेंट है तो याद रखना इफ यू आर स्टार्टिंग विद दीज टैबलेट्स प्लीज मेक श्योर कि आप रेगुलरली ये टैबलेट्स लेते हो डोंट डू लाइक दैट कि एक दिन लिया एक दिन नहीं लिया दो दिन भूल गए फिर ले लिया इट्स इट विल नॉट वर्क लाइक दैट ओके सो डू ट्राई टू टेक दीज टैबलेट्स रिलीजियसली ट्राई टू टेक इट फ्रॉ लाइक फर्स्ट थ्री मंथस एंड देन यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट ऑफ दीज टैबलेट तो अब अंदर से तो हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर लिया ताकि हमने ऐसे विटामिन ले लिए जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग कर सके हमारे हेयर की क्वालिटी uh, को स्ट्रांग कर सके बट अब बात आती है एक्सटर्नल यूसेज की तो इसके लिए मैं जो प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूँ वो है ये दिस इज एच के वाइटल्स नेचुरल बायोटिन हेयर टॉनिक ओके बहुत सिंपल है विथ रेड अनियन एक्सट्रैक्ट कैफीन एक्सट्रैक्ट ओके इसको यूज करना बहुत बहुत इजी है एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आई मस्ट टेल यू सबसे अच्छी बात ये है कि इस प्रोडक्ट की वजह से आपकी जो स्कैल्प है आपका जो हेयर स्ट्रक्चर है जो आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट अगर आप देख पा रहे होगे तो इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा लाइट वेट है देखो इतना लाइट वेट टेक्स्चर है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं एंड अपन को सिंपली इसको थोड़ा सा अपने पाम पे लेना होता है जस्ट आपको ये स्कैल पे लगाना है सिंपली seriously i must tell you this is a must have product very good packaging quantity wise is also good price wise is also good 679 rupees mein aapko ye serum mil raha hai jo ki last acha khasa karne wala hai jo ye product hai na ye simply आपका जो सारे skin friendly ingredients होते हैं ना उससे बना हुआ है dermatologically tested भी है ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में अगर आप हेयर फॉल सफ़र करते हो हेयर फॉल से आपको प्रॉब्लम है तो उसके ई रेशियो को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है ये हमारे हेयर के कैरेटिन के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है इन टोटल इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट के बारे में हेयर टॉनिक के बारे में बात कर लिया विटामिनस uh, के बारे में बात कर लिया अब जो डेली बेसिस पे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वो होता है शैम्पू बिकॉज़ कुछ लोग हाँ, हफ्ते में दो दिन हफ्ते में तीन दिन शैम्पू करते हैं तो देन हमारा शैम्पू भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे हेयर के प्रॉब्लम्स uh, को बढ़ाए नहीं उसको कम करें तो उसी के लिए मैं जो शैम्पू की बात करने वाली हूँ वो है ये दिस इज एच के वाइटल्स नेचुरल बायोटिन शैम्पू विथ रेड अनियन एक्सट्रैक्ट अब मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट फॉलो करते हो तो आपको अनियन के फ़ायदा तो पता ही होंगे ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है नॉन टॉक्सिक है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है तो इस तरीके से प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो टॉप नॉच है नो डाउट इन दैट दूसरी चीज़ क्वांटिटी वाइज प्राइस वाइज प्रोडक्ट गुड पैकेजिंग इज़ गुड सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी इन्होंने एक ये आ, आपका लीकेज ना हो उसके लिए एक छोटा सा आ, यहाँ पे हमें नॉ वो दे रखा हुआ है आ, इसके वजह से आपको बिल्कुल भी आपका प्रोडक्ट लीकेज नहीं होगा आप इवन इसको ट्रैवल में भी ले जा सकते हो सो इट्स अ गुड थिंग एंड इसके इंग्रेडिएंट्स आर रियली नाइस मेरे बालों मैं इसको नॉर्मली हफ्ते में दो बार यूज़ करती हूँ ये सल्फ़ेट फ्री शैम्पू है तो अगर आप सल्फ़ेट फ्री प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है डेफ़िनेटली एंड इससे क्या होता है आपकी स्कैल्प को भी जो जो स्कैल्प पे बिल्ड होता है ना वो बिकॉज इट हैज़ अनियन वो उस बिल्ड को भी कम करता है एंड आपके बालों को नरिश करता है बिकॉज इट हैज़ बायोटिन इन इट इन टोटल इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट अभी कंटिन्यूसली ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मुझे खुद बालों में थोड़ी सी शाइनिंग एंड काफ़ी कुछ हल्के हल्के से स्ट्रॉग एंड फुलर हेयर फील होना स्टार्ट हुए हैं आई मस्ट टेल यू प्लीज़ ये प्रोडक्ट एक बार ट्राई करिएगा एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपने कोई ये प्रोडक्ट ट्राई किए हैं इनमें से कोई भी अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड आई होप यू लाइक द वीडियो यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिले हैप्पी एंड कीप स्मिंग एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ बाय बाय